हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुकड़ी नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो जाती है। यह घटना राजस्थान के पोसालिया की है। पुलिस थाना पालडी एम के अंतर्गत गौतम ऋषि मंदिर में प्रसादी के लिए गए एक परिवार के साथ किशोर की सुकड़ी नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बडलूट ने रिपोर्ट देकर बताया कि मैं और मेरा भाई ओटा राम पुत्र नैना राम परिवार सहित रविवार सुबह 10 बजे गौतम ऋषि महादेव मंदिर गए थे, जहां पर सुकड़ी नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है, जिस पर आगे की कार्रवाई जारी है। हादसे की सूचना पर शिवगंज तहसीलदार निर्जा कुमारी और उप निरीक्षक चौहान, सहायक उप निरीक्षक मोहन दास ने मौके पर पहुंचकर पूरी नदी का मुआयना किया। गहरे पानी में डूबे किशोर को निकालने के लिए सिविल डिफेंस सिरोही के दल और ग्रामीण तैराकों ने काफी मशक्कत की। पोसालिया के गोताखोर छगन लाल पुत्र ओवाराम मीना को शव निकालने में कामयाबी मिली। शव को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोसालिया ले जाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया और इस पूरी प्रक्रिया के बाद गमगीन माहौल में पैतृक गाँव गोल में अंतिम संस्कार किशोर का किया गया। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से चंपालाल मालिक की रिपोर्ट।